पौधों के लिए जो जरूरत है पौधे की वो है सनलाइट की तो आपको ध्यान रखना है विंटर में पौधों की सनलाइट का दोस्तों सर्दियों में आपको एक बात का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है वो है पौधों की रिपोर्टिंग सेकंड सबसे ज्यादा जरूरी बात जो हमें अभी ध्यान रखनी है वो है पौधों को पानी बिल्कुल कम देना है नमस्ते आप सभी को कैसे हैं आप सब आई होप आप सब ठीक होंगे और आपके प्लांट्स भी हेल्दी होंगे तो दोस्तों मेरे इंस्टाग्राम पे फेसबुक पे यूट्यूब पे आजकल मुझे एक ही कॉमन क्वेश्चन बार बार दिख रहा है सर्दियों में पौधों की देखभाल कैसे करें कैसे उन्हें पानी दें कैसे इंडोर प्लांट की देखभाल करें तो आज की इस वीडियो में हम इसी बारे में जानेंगे कैसे आपको अभी सर्दियों में अपने पौधों की देखभाल करनी है क्या क्या टिप्स को आपको फॉलो करना है तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो लाइक करके बताइएगा आपको कैसा लगा और कमेंट के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा तो दोस्तों जब बात आती है पौधों की देखभाल करने की तो हमारे मन में यही अक्सर सवाल आता है कौन से पौधों की देखभाल तो जैसा कि आप सभी जानते हो एक होते हैं इंडोर प्लांट और एक होते हैं आउटडोर प्लांट तो आज मैं आपको दोनों ही प्लांट की केयर बताऊंगी कैसे आपको सर्दियों में इन पौधों की देखभाल करनी है तो जब हम बात करते हैं इंडोर प्लांट की अब इंडोर प्लांट में कौन से इंडोर प्लांट जैसे कि एग्लोनीमा अरेका पाम चाइना पाम क्रोटन मनी प्लांट सिंगोनियम मॉन्स्टेरा ये सारे ऐसे प्लांट हैं जो हम इंडोर प्लांट के तौर पे अपने घरों में लगाना पसंद करते हैं लेकिन दोस्तों ये सारे प्लांट अभी विंटर में अपनी ग्रोथ स्लो कर देते हैं और कहीं ना कहीं हम बोल सकते हैं ये इनका डोरमेंसी पीरियड होता है तो ये सारे पौधों को आपको अभी थोड़ी बहुत केयर करनी पड़ती है तो अगर आपके घर में भी ये सारे प्लांट लगाए हैं तो सबसे पहले आपको करना है इन पौधों को पानी बहुत कम देना है क्योंकि अगर आप ज्यादा पानी दोगे तो इनकी रूट रॉट का वजह से पौधा हमारा सूखने का खतरा बढ़ जाता है तो इन्हें पानी कम दीजिए और दूसरा आपको काम करना है इनको खाद भी आपको काफी कम देना है अगर आप चाहो तो एक से दो मुठ्ठी खाद दे सकते हो वरना अभी आपको खाद देने की भी ज्यादा जरूरत नहीं है और तीसरा सबसे ज्यादा जरूरी काम आपको टाइम टाइम पे अपने पौधों की मिस्टिंग करते रहना है क्योंकि जैसे कि मैं दिल्ली में रहती हूँ और यहाँ पे इतना स्मॉगी इतना फॉगी वेदर होता है तो कहीं कही ना कहीं हमारे पौधों की जो पत्तियां होती है उनकी पत्तियों में काफी फॉग डस्ट जमने की वजह से पत्तियां उनकी ब्लॉक हो जाती हैं तो इस वजह से आपको टाइम टाइम एक गीले कपड़े से पौधे को वाइप करते रहना है ताकि उसकी पत्तियों के स्टोमेटा बंद ना हो और पत्तियां भी आराम से ऑक्सीजन ले सके अगर आप टाइम टाइम पे ये सब करोगे तो आपका प्लांट विंटर में भी हेल्दी रहेगा तो सबसे ज्यादा जरूरी हमारे पौधों के लिए जरूरत है पौधे की वो है सनलाइट की तो आपको ध्यान रखना है विंटर में पौधों की सनलाइट का अगर आपके इंडोर प्लांट आपने घर के अंदर रखे हैं तो इस बात का ध्यान रखिए वो कहीं एसी या कहीं हीटर के आगे ना रखे हो इससे आपके पौधों में मरने का खतरा ज्यादा हो जाता है तो आपके आपको पौधों को ऐसी जगह पे रखना है जहा पे मॉर्निंग की धूप आए अगर आपके पास इंडोर प्लांट है तो उन्हें ऐसी जगह पे शिफ्ट कर दो जहाँ पे मॉर्निंग की धूप आए और रात के टाइम पे उन्हें ओस और पाले से भी आपको बचाना है और आपको ऐसी जगह शिफ्ट करना है जहाँ सुबह की धूप आए और रात के टाइम पे उसके ऊपर सेड हो ताकि आपके प्लांट काफी अच्छे चले और दोस्तों एक बात का भी आपको और, और ध्यान रखना है पौधों की रिपोर्टिंग पे हो सके तो सर्दियों के टाइम पे इंडोर प्लांट हो या आउटडोर प्लांट हो इनकी रिपोर्टिंग थोड़ा मत ही कीजिएगा क्योंकि इस समय पौधा हमारा थोड़ा सा स्ट्रेस में रहता है अगर आप रिपोर्टिंग कर दोगे तो कहीं ना कहीं हमारे पौधे के मरने के चांस बढ़ जाते हैं हाँ वो अलग बात है अगर आपका पौधा रूट रॉट की वजह से गल गया है या खराब हो चुका है तब आप रिपोर्टिंग पे ध्यान दीजिए अदरवाइज अभी रिपोर्टिंग करने से बिल्कुल बचिए और ये एक कारगर टिप्स हो सकता है आपके प्लांट को हेल्दी और घना रखने का और दोस्तों एक खास बात मैं आपको बताना चाहती हूँ अगर आपके इंडोर प्लांट को इंडोर में अच्छी लाइट नहीं मिल रही है इनडायरेक्ट लाइट या सनलाइट थोड़ी बहुत नहीं आ रही है तो मॉर्निंग के टाइम पे आप उन्हें धूप में बाहर ले आइए उसके बाद भले ही आप रात के टाइम पे उन्हें इंडोर में रख लीजिए और रात के टाइम पे भी जब इंडोर में रखोगे तो उस टाइम पे एसी या आपके हीटर्स की जो गर्माहट है उससे बिल्कुल दूर रखिएगा क्योंकि उससे पौधों को थोड़ा सा खतरा हो सकता है और एक बात का खास आपको ध्यान रखना है अगर आप आपके घर के बाहर भी लाइट नहीं आ रही है ना ही सनलाइट आ रही है बहुत कम ब्राइट लाइट आ रही है तो इंडोर में ही आप अपने प्लांट के लिए बहुत अच्छी आर्टिफिशियल लाइट का इंतजाम कर सकते हो कई बार हम लोग ग्रो लाइट भी खरीद के अपने पौधों को अच्छी उसमें लाइट दे सकते हैं तो आप ग्रो लाइट खरीद कर भी अपने प्लांट को बचा सकते हो और या तो आपके रूम में ही अगर कोई आर्टिफिशियल लाइट है जैसे कि ट्यूब लाइट या बड़े बड़े बल्ब लगा के भी आप अपने प्लांट को अच्छा और हेल्दी बना सकते हो और सबसे लास्ट और हेल्दी टिप्स जो हमारे इंडोर प्लांट की है वो है आपको टाइम टाइम पे आप पौधे की जांच करते रहिए अगर आपको लग रहा है आपके प्लांट में ओवर वाटरिंग हो रही है या प्लांट में कोई पत्ता खराब हो रहा है तो आपको तुरंत उस पत्ते को हटाना है तो दोस्तों ये जो मैंने टिप्स आपको बताई है ये टिप्स थी हमारी इंडोर प्लांट के लिए अब हम बात करते हैं अपने आउटडोर प्लांट के लिए जो आज का हमारा मेजर टास्क है कैसे हम अपने आउटडोर प्लांट की विंटर में केयर कर सकते हैं अब दोस्तों हम बात करते हैं अपने आउटडोर प्लांट की आउटडोर प्लांट की केयर के लिए आपको सबसे पहला काम जो अभी करना है अपने सारे आउटडोर प्लांट को एक साथ ग्रुप में रख लीजिए क्योंकि जैसा कि अभी आप जानते हो हवा बहुत शुष्क होती है इन्वायरमेंट में ह्यूमिडिटी की बहुत ज्यादा कमी होती है अगर आप सारे प्लांट को एक साथ ग्रुप में रखोगे तो इससे भी पौधे एक दूसरे को सपोर्ट करते रहेंगे और वो जल्दी खराब नहीं होंगे और सबसे इम्पोर्टेंट बात सर्दी में जैसे कि ओस पाला गिरता है और ठंडी ठंडी हवाएं चलती हैं तो उससे भी पौधों को अभी कम दोगे उतने आपके पौधे ज्यादा हेल्दी रहेंगे और एक ये सवाल भी मुझे बहुत बार आता है आखिर पानी देना कब है तो पौधों को पानी दोस्तों अभी विंटर के टाइम पे हमेशा आप मॉर्निंग में दीजिएगा अगर आप सुबह पानी दोगे तो दिन भर आपके दिन भर आपका प्लांट उस पानी को लेगा और जल्दी जल्दी पानी इवेपोरेट भी हो जाएगा और रात में अभी पानी भूल के भी मत डालिएगा अगर आप रात में पानी देते हो और आप बिगनर हो गार्डनिंग में तो आपके प्लांट कहीं ना कहीं रूट रॉट की वजह से या ओवर वाटरिंग की वजह से खराब होने का चांस बढ़ जाता है और सर्दियों में बहुत ज्यादा फंगस भी हमारे पौधों को लगता है इसीलिए भी आपको पानी का पानी काफी कम करना है आपको पानी तभी देना है जब आपके पौधे की टॉप इंच बिल्कुल सूख जाए उसके बाद ही पौधे को पानी दीजिएगा और दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो ये सारे मेरे आउटडोर प्लांट हैं जैसे कि हिबिस्कस प्लूमेरिया बोगनवेलिया कनेर चोरी ये सारे मेरे जितने भी पौधे हैं चांदनी ये बिल्कुल अभी डोरमेंसी में है तो इनमें आपको ना ही ज़्यादा खाद देनी है और ना ही इन पौधों को ज्यादा पानी देना है इन पौधों को अगर आप अभी आराम करने दोगे तो इन पौधों की एनर्जी आपको अभी बिल्कुल सेफ करके रखनी है ताकि जैसे ही फरवरी आए और ये पौधे फुल एनर्जी के साथ आपको अच्छे अच्छे फूल दे और इन्हीं पौधों में मोगरा चंपा जूही चमेली बेला जो भी है सारे ही पौधे आते हैं यहाँ पे मैंने अपने सारे प्लांट एक साथ ग्रुप में रखे हुए हैं और मैं ये सारे पौधों को लगभग तीन से चार दिन में एक बार पानी देती हूँ क्योंकि इन्हें अभी ज्यादा पानी देने की जरूरत नहीं है प्लांट को बस अभी इतना पानी दीजिए वो सरवाइव करे और जिंदा रह सके आपको ज्यादा पानी बिल्कुल नहीं देना है और दोस्तों इन्हीं पौधों में अगर आपकी कोई कोई आपको पत्तियां पीली दिख रही हैं तो उन्हें टाइम टाइम पे हटाते रहिएगा दोस्तों सर्दियों में आपको एक बात का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है वो है पौधों की रिपोर्टिंग अभी आपको पौधों की रिपोर्टिंग बिल्कुल नहीं करनी है पौधों की रिपोर्टिंग आपका बिल्कुल लास्ट ऑप्शन होना चाहिए जब आपको लग रहा है आपका प्लांट अब नहीं बच पाएगा या इसमें ज्यादा फंगस लग गया है या ओवर वॉटरिंग की वजह से आपका प्लांट अब बिल्कुल खतरे में है तभी जाके आपको पौधे को रिपोर्ट करना है वरना आप भी पौधे को रिपोर्ट मत करिएगा अभी पौधे को रिपोर्ट करने से पौधा हमारा थोड़ा बहुत स्ट्रेस में चला जाता है और उसे दिक्कत हो सकती है तो बिल्कुल अभी रिपोर्टिंग से बचिए अगला सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात अभी आपको पौधे की ना ही ज़्यादा प्रूनिंग करनी है और ना ही पौधे को आपको ज़्यादा खाद देना है क्योंकि ये जो विंटर का हमारा समय होता है इस टाइम पे पौधे ऑलरेडी हमारे डॉर्मेन्सी में रहते हैं तो पौधों की ग्रोथ ऑलरेडी स्लो हो जाती है अगर आप उन्हें खाद दोगे तो उनपे भार पड़ेगा अभी खाद मत दीजिए आपको अब आप खाद देनी है पौधों को फरवरी के टाइम पे और दोस्तों अगर आपको लग रहा है आपका पौधा हेल्दी नहीं है या पौधे की कंडीशन आपको थोड़ा बहुत खराब लग रही है जैसे कि हमारे जो प्लांट डॉर्मेन्सी में भी चले गए हैं या जो प्लांट अभी सर्दी में फूल दे रहे हैं जैसे कि गुलदाउदी मुर्गा तो ये सारे प्लांट को आपको क्या करना है इनकी टाइम टू टाइम गुड़ाई करनी है ऊपर से आपको जब लग रहा है मिट्टी काफी कठोर हो गई है तो मिट्टी में एरेशन बहुत ज्यादा जरूरी होता है इसके लिए आपको मिट्टी की गुड़ाई करते रहने पड़ेगी तो ऑल्टरनेट अः ऑल्टरनेट डे अगर आप गुड़ाई ना भी कर सको तो हर पंद्रह दिन के अंतराल में एक बार अपने सारे गमलों की अच्छे से गुड़ाई कर दीजिएगा ऐसा करने से कई बार मिट्टी में जो फंगस होता है तो वो भी हट जाता है और uh, मिट्टी की गुड़ाई करने से ऊपर कई बार रहता है कि सरफेस में काई जम जाती है ओवर वाटरिंग का ही पता चल जाता है मतलब बहुत सारी चीजें आपको इससे क्लियर हो जाएंगी तो इसीलिए हर पंद्रह दिन में गमले की गुड़ाई करिएगा अगर आपके एरिया में भी बहुत ज्यादा ठंड होती है टेम्परेचर काफी गिर जाता है और स्मॉग और फॉग का वेदर रहता है तो इस बात का बहुत ज़्यादा ध्यान रखेगा हर पंद्रह दिन में या तो हफ्ते में एक बार अपने पौधों को मिस्टिंग जरूर कीजिए क्योंकि स्मॉगी वेदर से हमारी पत्तियों में कई बार फॉग या स्मॉग या डस्ट जमने की वजह से भी पौधा हमारा सांस नहीं ले पाता है अगर टाइम टाइम पे आप पौधे की मिस्टिंग करते रहोगे पौधे को साफ साफ पौधे की साफ सफाई पे ध्यान दोगे तो उससे भी आपका पौधा हेल्दी रहेगा और अच्छे से पत्तियों के थ्रू सांस ले पाएगा तो इस इस बात का ध्यान रखिएगा गीले कपड़े से ही अपने पौधों की पत्तियों को साफ करते रहिए या तो फिर आप डायरेक्ट अपने पौधों की मिस्टिंग कर सकते हो किसी तेज प्रेशर वाले पाइप से और दोस्तों अगर आप बहुत ज्यादा ठंडे इलाकों में रहते हैं जहाँ पे टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा गिर जाता है सर्दियों में तो आप चाहो तो अपने पौधों में अपने गमले में मल्चिंग भी कर सकते हो मल्चिंग के लिए जैसा कि मैं आपको हमेशा बोलती हूँ आपको ऑर्गेनिक मटेरियल का ही इस्तेमाल करना है आप ऑर्गेनिक मटेरियल में लकड़ी का बुरादा या लकड़ी के जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं या साथ ही नारियल के छिलकों का भी इस्तेमाल कर सकते हो ये मॉइस्चर को होल्ड करके रखेंगे इससे क्या होगा ना मिट्टी में जो नमी है वो बरकरार रहेगी और साथ ही में ह्यूमिडिटी भी रहेगी क्योंकि सर्दी के टाइम पे ना ह्यूमिडिटी थोड़ी कम होती है ऑलरेडी इन्वायरमेंट में तो मल्चिंग करना भी एक फायदेमंद आपका हो सकता है सर्दी के टाइम पे बस मल्चिंग जब भी आप करते हो तो ऑर्गेनिक मटेरियल की ही करिए करिएगा और साथ ही पौधे को कम पानी दीजिएगा सर्दियों में दोस्तों आपको एक बात का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है जो हमारे अभी सर्दी में खिलने वाले फूल के पौधे हैं जैसे कि गुलदाउदी गुलाब मुर्गा पिटूनिया ये सारे पौधों को आपको ऐसी जगह पे रखना है जहाँ पे मॉर्निंग की सनलाइट इन्हें मिले ही मिले ये सारे पौधे हमारे ऐसे हैं जिन्हें सुबह की धूप अगर मिल जाए तो आपके गार्डन में आपके गार्डन को रंग बिरंगा और खूबसूरत बना देंगे और इन्हीं पौधों में अभी आप खाद भी दे सकते हो साथ ही इन पौधों की आप टाइम टाइम पे प्रूनिंग भी कर सकते हो अगर आपको गुलाब में ज्यादा फूल चाहिए तो इसकी भी आप प्रूनिंग करते रहिए और गुलदाउदी के भी अभी आप उसको अच्छे से चेक करते रहिए ये ऐसे पौधे हैं जिनमें आपको पानी शायद रेगुलर भी देना पड़े क्योंकि इनका भी फूलों का टाइम है अगर आप कम पानी दोगे या पानी ज़्यादा भी दे दोगे तब भी दिक्कत हो जाएगी लेकिन ये मेरे घर में ऐसे पौधे जिन्हें मैं हर दूसरे दिन में पानी देती हूँ तो इस बात का आप भी ध्यान रखेगा इनको टाइम टाइम पे पानी दीजिएगा और इनकी खाद की पूर्ति टाइम टाइम पे होते रहे ताकि ये आपके गार्डन में खिलते रहे और इन्हीं पौधों में हमारा कोलियस का पौधा भी है तो कोलियस पौधे को भी अभी आप खाद दे सकते हो साथ ही आप उसकी थोड़ी बहुत प्रूनिंग और सॉफ्ट पिंचिंग कर सकते हो और जितने भी खराब पत्ते हैं उन्हें भी हटा सकते हो क्योंकि बहुत सारे लोगों का कोलियस के रिगार्डिंग भी बहुत सारे सवाल आते हैं और दोस्तों ये सारे जो भी मैंने आपको पौधे बताए हैं जिनकी मैं बात कर रही हूँ आपको सर्दी में फूल देने की तो इनको आपको बहुत अच्छी धूप में रखना है अगर आप चाहते हो इसमें अच्छे फूल आए तो तो दोस्तों आज मैंने आपको जो भी टिप्स बताई है ये सारी टिप्स आप पहले आजमा के देखिए फिर आप देखिए आपके गार्डन में आपको चेंजेस दिखते हैं या नहीं दिखते हैं मैं हर साल सर्दी के टाइम पे अपने पौधों की सेम ऐसे ही केयर करती हूँ और आशा करती हूँ आप भी ऐसे ही केयर करोगे और विंटर में भी अपने पौधों को कड़ाके वाली ठंड से बचाओगे और उन्हें सुरक्षित रखोगे अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो में आप कॉमेंट करके और लाइक करके मुझे बताइएगा अगर आपको किसी प्लांट के बारे में समझ नहीं आ रहा है किसी भी प्लांट की के आपको केयर समझ नहीं आ रही है कैसे करनी है तो बस आप कमेंट में लिख दीजिएगा पतलू इस पे वीडियो बना दो तो मैं उस पर आपको प्रॉपर उसकी केयर समझा दूंगी और लाइव भी मैं डेली आपको हर दो दिन में एक बार मिलूंगी ताकि आपके अच्छे से डाउट ले सकूँ और आपको गार्डनिंग में बिल्कुल एक्सपर्ट बना सकूँ तो आशा करती हूँ आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो अगर जानकारी अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा और कॉमेंट करके बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा थैंक्स फॉर वॉचिंग बाय टेक केयर